अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई केम बैक टू माय वर्क प्लेस एंड एक्चुअली मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आई हूँ और मैं बस जाने वाली थी, बट मैंने कहा नहीं, ऊपर आके एक व्लॉग तो बनता है लाजमी. सो अभी मैं एक क्विक व्लॉग बनाऊंगी. आई एम गोना फिल्म अ वेरी क्विक व्लॉग फॉर यू ऑल एंड इट विल बी अ क्रम्बलिंग व्लॉग. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम सो एक्साइटेड. सो आई एम गोना मेक अ लिटिल क्रम्बलिंग व्लॉग. एज यू गैस नो दैट लास्ट टाइम आई मेड सम शेप्स. मैं ये कुछ शेप्स बना के गई थी और ये भी मैंने बनाई थी ऑफ कैमरा और आई थिंक और मैं ये भी इसमें पानी डाल के चली गई थी, इसमें भी पानी डाल के चली गई थी कि चलें मे भी ये ड्राई हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो इट्स ड्राई. ये भी नहीं ड्राई और ये भी नहीं ड्राई, बट ये टेक्सचर ड्राई है, ये ड्राई है, कुछ टेक्सचर्स ड्राई हैं. सो उनको भी जल्दी से क्रम्बल करते हैं. सो या ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं इस टेक्सचर को क्रम्बल करूँगी क्योंकि मैं इस टेक्सचर को इतने अरसे से क्रम्बल करना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था, शेप्स ही नहीं बन रही थी. तो मैं लास्ट टाइम इसकी तीन शेप्स बना गई थी कि मैं आऊँ और मैं इसको जल्दी से क्रम्बल करूँ. सो लेट्स क्रम्बल दीज. गाइज इट्स सुपर डस्टी और मेरा मुंह भी अभी कवर्ड नहीं है, सो मैं इतनी ज़्यादा डस्ट प्ले नहीं करूँगी क्योंकि वरना सारी डस्ट मेरे मुंह में जाएगी. और इसकी शेप्स बहुत सॉफ्ट थी क्योंकि एज यू गाइस नो मैंने बहुत जल्दी में बनाई थी शेप्स, सो इसलिए काफ़ी सॉफ्ट शेप्स थी. और मैंने इस टेक्सचर के ऊपर पानी भी थोड़ा सा डाल दिया था, सो लेट्स सी कि कोई चंक्स निकलता है या नहीं. इट्स अ लिटिल बिट डैम्प लेकिन चंक्स हैं.
This chunk is so big. Of course, it was so yummy. बहुत मज़ा आया. Although chunks थोड़े से damp थे, but इस texture की जो feels है ना, like इसको हाथ में पकड़ के जो मज़ा आता है, I cannot tell you in words. बहुत मज़े का texture है ये. Okay, so ये texture तो हो गया. अब let's come to this texture. इस texture को भी crumble करने का मेरा इतना दिल था, लाइक मैंने बहुत वेट किया. सो लेट्स क्रम्बल दिस वन. ये टेक्सचर बहुत डस्टी है, लाइक आप लोग खुद ही देख लें इसकी डस्ट. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये टेक्सचर मे बी हार्ड ना हो गया हो, बट इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया. लेट्स एक्चुअली ये शेप्स मैंने बहुत जल्दी में बनाई थी, इसलिए देख सकते हैं आप कि जल्दी की बनाई हुई शेप्स किस तरह की होती हैं.
मैंने बहुत मुश्किल से अपने मुंह को कवर किया. ओके, इट वॉज सच अ ट्रीट सारा. ओके एनी वे, लेट्स कम टू दिस टेक्सचर. इस टेक्सचर को भी मैंने बहुत मिस किया. एक्चुअली सब टेक्सचर्स को बहुत मिस किया. सो अब जल्दी से इसकी कंप्लेन करते हैं. सो मुझे अभी बुलाने आ गए हैं, सो आई गॉट अ गो. बट इसको क्रम्बल कर लेते हैं. It's also super dusty. मैं बस इतना टाइम ही मैं पावर प्ले करूँ, बट आई कैन क्रम्बल. मेरा दिल कर रहा है कि इस टेक्सचर को भी जल्दी से क्रम्बल कर लूँ. ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप आप लोगों को ये जल्दी का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो लिटरली बहुत मज़ा आया. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं ज़्यादा टाइम के लिए आऊँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी, बहुत सारे टेक्सचर्स बनाऊँगी. सो इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग्स आते रहेंगे, सरप्राइजिंग व्लॉग्स. और क्यों ना इसको भी जाते जाते क्रम्बल कर लिया जाए. दिस इज़ माई स्टोनी टेक्स्चर. So, ओके दैट्स ऑल. मुझे क्रम्बलिंग के दौरान बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं चुप करके शेप्स को क्रम्बल करती हूँ. आई होप आप लोग इंजॉय करते होंगे. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. ओके अल्लाह हाफिज़.